हेलो फ्रेंड्स, मैं नम्रता और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चारकोल पील ऑफ मास्क का डेमो। फ्रेंड्स, आज की डेट में बहुत सारे चारकोल पील ऑफ मास्क आपको अलग अलग ब्रांड के मार्केट में मिल जाएंगे, बट आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो है अश्योर का चारकोल पील ऑफ मास्क, क्योंकि इसके इन्ग्रीडियंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। इसमें है डायमंड डस्ट एंड बम्बू चारकोल पाउडर, जो कि और इसकी सबसे अच्छी खास बात ये है फ्रेंड्स कि ये पूरी तरह से पैराबिन एंड सल्फेट फ्री है, तो पूरी तरह से नेचुरल है, बहुत ही अच्छा है ये। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं कि इसे आपको यूज़ किस तरह से करना है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसे आपके फेस पे एक लेयर बना लेनी है। और आपको ध्यान रखना है कि इसे अपने आईज के राउंड एंड लिप्स के राउंड में आपको अप्लाई नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चारकोल पील ऑफ मास्क जो है हमें क्या बेनिफिट देता है। तो जब भी आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको ये एक इंस्टेंट ग्लो देगा, जो कि आपके फेस में जो भी धूल मिट्टी पोल्यूशन की वजह से डेड स्किन जमा हो गई है वो पूरी तरह से रिमूव कर देता है। और अगर आपके फेस पे ब्लैक हेड है, वाइट हेड की प्रॉब्लम है, तो ये उसे भी पूरी तरह से रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन पूरी तरह से साफ एंड क्लीन हो जाती है और ग्लो भी करने लगती है। स्किन पे बहुत ही अच्छा से ग्लो आए, इसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं फेस के लिए उसके इन्ग्रीडियंट्स, अगर उसके इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं तो आपके फेस पे बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा, अच्छा बेनिफिट मिलेगा और आपको ग्लो भी लाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस फेस मास्क में डायमंड डस्ट और बम्बू चारकोल पाउडर है, तो बहुत ही अच्छे हैं इसके इंग्रेडिएंट्स और पैराबिन सल्फेट फ्री है पूरी तरह से, तो इसे आप वीक में एक से दो बार भी यूज़ कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि क्या ये पील ऑफ मास्क फेशियल हेयर भी रिमूव करता है, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता है ये फेशियल हेयर रिमूव, तो आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट में बहुत सारे पील ऑफ मास्क आते हैं जो कि फेशियल हेयर भी रिमूव कर देते हैं, पर सब लोगों को वो पसंद नहीं आते, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। मेरा पील ऑफ मास्क जो है वो पूरी तरह से ड्राई हो गया है, आपको इसे 15 मिनट रखना होता है, अगर पूरी तरह से ये नहीं सूखा है तो उससे ज़्यादा टाइम भी आप रख सकते हैं। और आपको इसे इस तरह से नीचे साइड से ही रिमूव करना होता है, तो बहुत ही आराम से और अच्छे से ये पूरी तरह से रिमूव हो जाता है, तो धीरे धीरे आप इस तरह से इसे निकाल लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको जब भी लगे कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, डेड स्किन जमा हो गई है आपके फेस पे, या ब्लैक हेड वाइट हेड हो गए हैं बहुत सारे, तो आप इस पील ऑफ मास्क को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से ये सारे जो प्रॉब्लम है स्किन की, ब्लैक हेड वाइट हेड या डेड स्किन, उसको बहुत अच्छी तरह से रिमूव कर देता है। तो फ्रेंड्स, इस चारकोल पील ऑफ मास्क का प्राइस है 285 रुपीज़ और 75 ग्राम का है ये। तो फ्रेंड्स, देखा आपने इस तरह से ये आपकी स्किन पे ग्लो लाता है, आपकी स्किन से पूरी तरह से डेड स्किन को एंड ब्लैक हेड वाइट हेड को पूरी तरह से रिमूव कर देता है और स्किन पे ग्लो भी लाता है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और आप इसे एक बार यूज़ कर सकते हैं, दो बार भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से नेचुरल है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बाकी ब्रांड का मैं आपको नहीं बता सकती, पर अश्योर के इस पील ऑफ मास्क को आप दो बार भी यूज़ करेंगे तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।